हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इनवैलिड फंड फेसबुक आईडी कलर चेंजिंग पे बना सकते हैं या बिना कलर चेंजिंग भी बना सकते हैं, और वो भी बिना अपडेट नेम पे ले जाकर। ना ही कोई आईडी प्रूफ लगेगा, ना ही कोई प्रॉक्सी लगाना पड़ेगा आपको, तो बड़ी आसानी से आप कलर चेंजिंग या फिर बिना कलर चेंजिंग वाला भी इनवैलिड आईडी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र में फेसबुक को ओपन कर लीजिए, और अगर यदि आप इंडिया से हैं तो उसका लैंग्वेज तमिल कर लीजिए। अगर इंडिया से बाहर से हैं तो कोई भी वीपीएन यूज़ करके, जैसे टच वीपीएन हो, वो यूज़ करके इंडोनेशिया प्रॉक्सी लगाकर आप इंडोनेशिया भाषा में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद एक सिंगल नेम की आईडी आप बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे इंडिया से हूँ तो मैंने तमिल लैंग्वेज में एक सिंगल आईडी बना लिया है। दोस्तों, अब हम जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। तो दोस्तों, सेटिंग एंड प्राइवेसी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नेम पर आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मेरा, क्योंकि मैंने इंग्लिश करके रखा था फिर से, तो मैं फिर से इसको तमिल लैंग्वेज कर लूँगा। और अगर आप बाहर से हैं तो मैंने बता दिया, आप इंडोनेशिया प्रॉक्सी और इंडोनेशिया भाषा यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको जो भी इनवैलिड सिंबल यूज़ करना है, या फिर कलर चेंजिंग हो या फिर बिना कलर चेंजिंग वाला, वो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम पर लिख लीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, आप लास्ट में वहीं पर लिखिए एट द रेट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, ताकि आपका आईडी का जो ये सर नेम है वो शो ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये सिंबल दे दूंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप रिव्यू चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड ऑप्शन पे आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में एट द रेट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट फिर राहुल है, क्योंकि ऐसा इस पर टिक करेंगे तो आपका नेम शो नहीं होगा राहुल वाला, बाकी कलर चेंजिंग सिम शो होगा। अब यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे दीजिए और रिव्यू चेंज पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये आईडी बन चुका है। अब मैं आपको फेसबुक लाइट भी ओपन करके दिखा दूंगा कि कैसा कलर चेंजिंग होगा। तो आप ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका इनवैलिड फंड सिंबल का जो आईडी है वो कलर चेंज करेगा कुछ ही मिनटों में। ठीक है दोस्तों, तो ये बिना अपडेट नेम के आपको बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप कोई भी इनवैलिड सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको कलर में भी चेंज करवा सकते हैं, या फिर बिना भी सिंपल, जैसे पहले सब लोग इनवैलिड आईडी बनाते थे गन का हो या किसी और चीज़ का हो सिंबल, तो वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।